स्पेशली 2018 के कुछ अपॉइंटमेंट है जिसमें से अपॉइंटमेंट आते एक या दो ही है, बट ये आपके आने वाले नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं। चलते अपन उड़ीसा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। आज आपका एग्जाम भी है, ध्यान रखना, पेपर भी है। बाद में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और उस क्वेश्चन को आपको यहीं पे हिट करना है, ठीक है? चलते हैं स्टार्टिंग से। अपॉइंटमेंट इन 2018, ये अपॉइंटमेंट आपके काफी एग्जाम में काम में आएंगे। स्पेशली चलते हैं 2018 के कुछ अपॉइंटमेंट की तरफ। सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके 46वें सीजीआई जो अभी बने हैं वो रंजन गोगोई सर बने हैं। इसमें जो क्वेश्चन लगने के चांसेस है वो 4 और 6, 4 और 6, भूल भी जाओ तो याद करने का तरीका चौका और छक्का। रंजन गोगोई सर असम से बिलोंग करते हैं। कहां से करते हैं? असम। इन्होंने रिप्लेस करा दीपक मिश्रा सर को। किनको करा है? दीपक मिश्रा। रंजन जी गोगोई आपको इस साइड में नजर आ रहे हैं, दीपक जी मिश्रा जिनको रिप्लेस करा वो मिड में नजर आ रहे हैं, और पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई आपके सामने नजर आ रहे हैं जिनका नाम है आपका हरिलाल जे कृष्णदास दास कानिया। ठीक है, कानिया ये पहले सीजीआई थे सुप्रीम कोर्ट के। यदि मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊं जिसका क्वेश्चन लगता है वो लगता है 26 जनवरी 1950 के दिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 30+1 31 टोटल न्यायाधीशों की संख्या होती है। अभी 3 महिलाएं इसमें हैं, जिसकी ट्रिक है बाई, जिसकी ट्रिक है बाई, बिल्कुल एक्सलेंट, आपको याद है। आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जुडिकेशन के बारे में बताया गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कहां से लेके कहां तक के आर्टिकल होते हैं, तो 124 से 147 तक के आर्टिकल जो होते हैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग होते हैं, या आपके आर्टिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। इस स्लाइड में मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके साथ फिर शेयर करना चाहता हूं। रंजन गोगोई 4 और 6, असम, दीपक मिश्रा 45, फर्स्ट आ जाए तो मिस्टर कानिया, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 न्यू दिल्ली, और 124 से 147 तक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, और इन्होंने रिप्लेस करा 24वें नंबर के गवर्नर को उर्जित पटेल सर को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। और फर्स्ट गवर्नर आपके सामने है जिनका नाम क्या है? ऑसबॉर्न स्मिथ सर, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। मैक्सिमम बैंक वालों को लगता है अभी आपके लगने के पूरे चांसेस हैं शक्तिकांत दास सर का। जहां मेरा माउस कर्सर जा रहा है वहां पे शक्तिकांत दास सर नजर आ रहे हैं। ये 25वें गवर्नर बने आरबीआई के, इन्होंने रिप्लेस करा है मिड वाले उर्जित पटेल को। और जो मेरी साइड में आपको नजर आ रहे हैं वो है पहले गवर्नर जिनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। इसमें एक क्वेश्चन और लग सकता है, पहले भारतीय सीडी देशमुख। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तब आपको सीडी देशमुख राइट करके आना बेटा, ठीक है? सीडी देशमुख सर को राइट करके आना, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। डाउट क्लियर? तो इसमें मेरे क्या क्या क्वेश्चन है एक बार फिर शेयर कर रहा हूं। 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। रिप्लेस किसको कराया बेटा? दीपक उर्जित पटेल को। और फर्स्ट वे कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और सीडी देशमुख कौन थे? पहले भारतीय। ठीक है, ओके, चलते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ। सीडी देशमुख की, सीडी देशमुख थे 1 2 3, ओवरऑल में 3 थे बेटा। फर्स्ट नंबर पे थे आपके, देखिएगा तीनों क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट नंबर पे थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सेकंड नंबर पे जो बने ना बेटा वो पहले डिप्टी गवर्नर जो कि प्रमोट होके क्या बन गए? गवर्नर, जिनका नाम था सर जेम्स टेलर। क्या नाम था? जेम्स टेलर। और फिर बने थे आपके सीडी देशमुख। कौन बने थे? सीडी देशमुख। तो वैसे तो थर्ड हो गई, लेकिन फर्स्ट भारतीय कौन से कहलाए बेटा? सीडी देशमुख, क्योंकि इनके आगे सर नहीं लगेगा, सर जो लगता है वो विदेशियों के आगे लगता है, तो सीडी देशमुख, राइट? ओके, चलते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहां पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इसलिए रेडी रहना। रफ कर सकता हूं इसको, चलते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ।
और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली 2018 में किसको बनाया गया? तुषार मेहता को। तुषार मेहता का क्वेश्चन आपके लग सकता है, इन्होंने रिप्लेस किसको कराया बेटा? रंजीत कुमार सर को। और फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सी के आपके दत्तरे, कौन है? सी के दत्तरे। ये आपके पहले हो जाएंगे। तो कैसे याद करेंगे बेटा इसका? इजी तरीका देखेंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमने कहा सॉलिड मूवियां बनाता है कौन? तुषार कपूर। तुषार कपूर जो है वो क्या बनाता है? सॉलिड मूवियां बनाता है। और रण में जीत जाता है, उसकी पिक्चर का नाम क्या है? रण। रण से क्या बन जाएगा? रंजीत कुमार। और फिर सी के दफ्तरे, दफ्तरे से दफ्तर याद कर लेना, दफ्तर से क्या हो जाएगा? दफ्तरे। दफ्तर यानी ऑफिस, ऑफिस से क्या बन जाएगा? दफ्तरे। यहां पर मेरा क्वेश्चन पहला आपसे, इनसे बड़ी पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है अभी? के वेणुगोपाल इज द राइट आंसर। कई बार आपसे उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, सॉलिसिटर जनरल के बाद पूछ सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो के वेणुगोपाल। क्या करना है? के वेणुगोपाल। इसमें फर्स्ट अधिकतर आने के चांसेस होते हैं, कई बार पूछ देते हैं। सी के दफ्तरे जो थे वो पहले सॉलिसिटर जनरल थे, और रिसेंटली जो भी बने वो कौन है? तुषार मेहता। और उन्होंने रिप्लेस किसको कराया बेटा? रंजीत कुमार को। नाउ कम टू द नेक्स्ट, चलते एयरलाइन एयर एशिया की तरफ। एयर एशिया इंडिया ने अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप के वेटनर सुनील भास्करन सर को अपॉइंट कराया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD। लगने लायक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी लग सकता है। एयर एशिया इंडिया के अंदर अभी किसको बनाया गया? तो भास्कर। याद करने का तरीका भास्कर पेपर, उससे जल्दी याद हो जाएगा भाई। भास्कर पेपर में आजकल किसका ऐड आता है? एयर एशिया का। टिकटें क्या हो चुकी है? सस्ती। डाउट क्लियर है? भास्करन यानी सुनील भास्करन सर को एयर एशिया इंडिया का क्या बनाया बेटा? CE यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO एंड MD। लगने लायक क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, चलते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ। देखिएगा फाइनेंस सेक्रेटरी भी अभी अजय नारायण झा बने। मैंने आपको बताया था जा फाइनेंस लिया, ट्रिक क्या थी? जा फाइनेंस लिया। तो अजय नारायण शर्मा, अजय नारायण झा ये जो है वो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है। इन्होंने रिप्लेस करा हसमुख अधिया सर को। ये इस साइड में जो आपको नजर आ रहे हैं वो अजय नारायण झा सर है, इस साइड में आपको हसमुख अधिया सर नजर आ रहे हैं मिड में, और ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी नजर आ रहे हैं जिनका नाम है RK शनमुखम शेट्टी। ठीक है, CHETTY। कई बार आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप थे, अभी रिप्लेस किसको करा? हसमुख अधिया सर को। और नए कौन बने बेटा? तो आपका आंसर हो जाएगा अजय नारायण झा। ध्यान रखना ₹1 के नोट के ऊपर सिग्नेचर जो होते हैं वो किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। और उसके ऊपर प्रॉमिस जो होता है वो, उसमें प्रॉमिस किसी बात की नहीं होती है, ये ध्यान रखना। बाकी जितने भी नोट होते हैं ₹1 से ऊपर उसके ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, और गवर्नर की क्या होती है? औत होती है कि मैं धारक को ₹10 अदा करने का वचन देता हूं। बट ₹1 के नोट को भारत सरकार जारी करता है जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, और लेकिन ओथ नहीं होती है। ठीक है, यस प्लीज। कौन से नहीं पूछेंगे बेटा, इसमें पूछेंगे कि अभी अजय नारायण जहां हसमुख अधिया को रिप्लेस कराए। ठीक है, जहां पूछेंगे ना वो मुझे पता है, वहां पूछेंगे 25वें गवर्नर, वहां पूछेंगे 46वें। ठीक है, लगने लायक क्वेश्चन ये भी। रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, जिसको आप शॉर्ट में ये भी पांडे सर बोलते हैं, UIDAI से आए। किससे आए बेटा? UIDAI से। इन्होंने रिप्लेस किसको कराया बेटा? हसमुख अधिया सर को। किसको कराया? हसमुख अधिया। तो दोनों में आपके हसमुख अधिया सर आ जाएंगे, और यदि फाइनेंस सेक्रेटरी आ जाएगा तब तो आपको अजय अजय करना है। दोनों में अजय अजय, एक में अजय झा हो जाएगा और एक में अजय भूषण पांडे हो जाएगा। ठीक है, और अजय भूषण पांडे कहां से आया बेटा? UIDAI से। यह भी लगने लायक क्वेश्चन है। आधार कार्ड, क्या बोलते हो आप? आधार कार्ड, बिल्कुल सही है। चलते हैं डिप्टी जनरल ऑफ राज्यसभा, लगने लायक क्वेश्चन है। डिप्टी जनरल ऑफ राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह जो NDA से है बेटा, इन्होंने डिफीट कराया BK हरिप्रसाद सर को, जो किससे थे बेटा? UPA से खड़े हुए थे। इधर जो आपको नजर आ रहे हैं वो हरिवंश नारायण सिंह नजर आ रहे हैं, जो कि डिप्टी चेयरमैन बने किसके बेटा? राज्यसभा के। और इन्होंने डिफीट किसको कराया? BK हरिप्रसाद को। और इससे पहले जो ये पोस्ट थी ये PJ कुरियन सर के पास में थी। किसके पास में थी? PJ कुरियन। PJ कुरियन सर के बाद जो नए बने वो कौन बने बेटा? हरिवंश नारायण सिंह। यदि वहां भूल भी जाओ तो अमिताभ बच्चन सर के फादर का नाम याद कर लेना, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको हरिवंश बच्चन सिंह की जगह हरिवंश नारायण सिंह याद हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में लगने लायक क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा स्नेहलता श्रीवास्तव, क्योंकि पहली बार बनी है और वुमेन से इसलिए ऐसे क्वेश्चन लगने के पूरे चांसेस होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही के अंदर लोकसभा के अंदर
पहली महिला सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? तब आपका आंसर क्या होगा? स्नेहलता श्रीवास्तव। इन्होंने रिप्लेस किसको कराया बेटा? तो आपका आंसर होगा अनूप मिश्रा को। किनको कराया? अनूप मिश्रा को। देखो स्नेहलता श्रीवास्तव वास्तव में याद करने का तरीका क्या होगा, वास्तव में किसी महिला को लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल बनाया, वास्तव में से क्या हो जाएगा? श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। चलते हैं केक की तरफ। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको आप भारत सरकार का सीए कह सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। अभी 13वें भारत सरकार के नए केक जो बने, वो कौन बने? राजीव महर्षि। राजीव महर्षि ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो मैंने करंट अफेयर्स का भी इसमें ऐड करा है, इन्होंने अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए वाइस चेयर ऑफ यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर, जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर की लिस्ट में भारत की तरफ से जिसका सिलेक्शन हुआ है वो कौन हुआ है? राजीव जी महर्षि। और राजीव जी महर्षि कौन से नंबर के केक है बेटा? 13 नंबर के। इन्होंने 12 नंबर को रिप्लेस करा, जिनका नाम है शशिकांत शर्मा। शशिकांत शर्मा इस साइड में आपको राजीव महर्षि नजर आ रहे हैं, ये शशिकांत शर्मा नजर आ रहे हैं, और ये पहले केक है जिनका क्वेश्चन मैक्सिमम लगता है। वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। हम कैसे याद करेंगे? नर हम इंसान है, हम केक काटते हैं ना, तेरा करते ना मेरा करते, लेकिन काटते किसका? राजीव जी का। किसका काटते? राजीव जी का। इजीली याद हो जाएगा, हम नर है ना, नर यानी इंसान, नर यानी क्या होगा? इंसान। हम नर, नर यानी इंसान, केक काटते हैं ना, तेरा करते ना मेरा करते हैं, राजीव सर का काटते हैं। किसका काटते हैं? राजीव सर का। तो राजीव महर्षि 13वें नंबर के, और शशिकांत शर्मा कौन से नंबर के हो जाएंगे बेटा? 12। देखो केक का भी क्वेश्चन लगता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, इसमें 148 से लेके 151 तक के आर्टिकल्स आते हैं। और एक क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड करा है आपके लिए, इसका आंसर आता है बेटा कि इनकी टर्म पूछते हैं 6 साल या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी एलियो, ये कार्यकाल जरूर पूछते हैं। तो 6 वर्ष को राइट करके आना, क्योंकि वहां ऑप्शन में 5 वर्ष लिखो आता है, 5 वर्ष या 65 साल, या 5 वर्ष या 67 साल, या 5 वर्ष या 60 साल, या 6 वर्ष या 65 साल, तब आपका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष और 65 साल, दोनों में से जो भी पहले आ जाए। डाउट क्लियर बच्चा? तो इसका यही हो गया, हम नर है, हम केक काटते हैं ना, तेरा करते ना मेरा करते, राजीव जी का काटते हैं। डाउट क्लियर है? और 148 से कहां जाएंगे? 151, और पहले का नाम भी हो जाएगा नरहरि राव। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान के अंदर घोषित पोस्ट होती है बेटा, संविधान के अंदर ये पहले से सब डिक्लेयर्ड होती है, जैसे राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, सीएम होता है, राज्यपाल होता है, सीजीआई होता है ना, चुनाव आयोग होता है, वैसे ही ये संविधान में उल्लेखित पोस्ट होती है। इसका आर्टिकल नंबर 148 से 151 के अंदर इसका वर्णन कर रखा है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन में तो एक ही आएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा 6 ईयर, और साथ में क्या आएगा? 65, विच एवर इज अर्ली। लगने लायक क्वेश्चन है, देखिएगा। फॉरेन सेक्रेटरी, सॉरी, चलते हैं इलेक्शन कमीशन की साइड में, देखिएगा 23वें। अब 46 के हाफ हो जाएंगे ना बेटा, रंजन गोगोई 46 है ना, तो उनके हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23rd चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने बेटा सुनील अरोड़ा, जो राजस्थान कैडर के, कहां के बेटा? राजस्थान कैडर के। इन्होंने 3 दिसंबर 2 को रिटायरमेंट हुए थे, और 3 को इन्होंने भार संभाला, और सबसे पहले इन्होंने राजस्थान के चुनाव को कंडक्ट कराया। तो सुनील जी अरोड़ा राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान कैडर के हैं, 23वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इन्होंने रिप्लेस कराया बेटा 22वें को मिस्टर ओपी रावत सर को, और पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थे वो सुकुमार सेन थे। अधिकतर पूछते हैं बेटा पहले नंबर के कौन थे? सुकुमार सेन सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 324 में वर्णन है, किसमें बेटा? 324 के अंदर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, यानी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के, कितने दिन पहले? एक दिन पहले। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां है बेटा? नई दिल्ली में। ध्यान रखना, सेकेंड इलेक्शन कमीशन इन अशोक लवासा, इसको मैंने इसलिए बताया कि चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे 2 पोस्टें होती है, एक इलेक्शन कमीशन की। 2 इलेक्शन कमीशन पहले जब ओपी रावत सर हुआ करते थे, तो इनके सबोर्डिनेट में सुनील जी अरोड़ा और साथ में अशोक जी लवासा हुआ करते थे, बट सुनील जी अरोड़ा को प्रमोट करके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया ओम प्रकाश रावत सर के रिटायरमेंट के बाद, और एक पोस्ट अभी भी वैकेंट है, तो दूसरी अभी भरी हुई है, जिनका नाम क्या है? अशोक जी लवासा। डाउट क्लियर बच्चा? इसमें 324 के ऊपर फोकस करना, आर्टिकल नंबर 324।
या 23वीं पोजीशन किसकी होगी? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनील जी अरोड़ा। और सुनील जी सर कहां से बिलोंग करते हैं बेटा? राजस्थान से। ओके, और पहले नंबर क्या आ जाए तो सुकुमार सेन। चलते हैं फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की तरफ। देखिएगा, जैसे आप जानते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तो कौन है? सुषमा जी स्वराज। ऐसे ही फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले, इन्होंने रिप्लेस जो करा है वो करा है बेटा एस जयशंकर को। किसको करा है? एस जयशंकर सर को। इस साइड में जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपको नजर आ रहे हैं विजय केशव गोखले, और इस साइड में है वो कौन है बेटा? मिस्टर एस जयशंकर। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, तो विजय केशव गोखले। याद करने का तरीका, विदेशों में भारत की जो है वो क्या हो रही है? विजय हो रही है। क्या हो रही है? विजय। और वैसे भी गोपाल कृष्ण गोखले पुराने जो आपके मूवमेंट के जो गांधी जी के साथी थे उनसे याद हो जाएंगे, तो वैसे गोपाल कृष्ण गोखले से आपका क्या हो जाएगा? मिस्टर गोखले। और गोखले होते आपका क्वेश्चन का आंसर क्या चल जाएगा? सही चल जाएगा। डाउट क्लियर है बच्चा? ओके, चलते हैं बेटा डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। लगने लायक क्वेश्चन है, और आज का यदि आपने पेपर पढ़ा हो पत्रिका तो उसमें अपॉइंटमेंट में यही अपॉइंटमेंट सबसे बेस्ट बताया उसने कि 2018 के बेस्ट अपॉइंटमेंट जो क्वेश्चन में लग सकते हैं। तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आरएन रवि को कर रखा है। किनको कर रखा है बेटा? आरएन रवि। देखिएगा रवि सर के बारे में बताया, रवि विल बी द थर्ड डिप्टी टू एनएसए। अजीत डोवाल सर ने इनको कराया आफ्टर फॉर्मर द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मिस्टर राजेंद्र खन्ना एंड सर्विंग डिप्लोमेट मिस्टर पंकज सरन। तो अब आपके यदि तीनों के आ जाए तो सबसे बड़े सर तो कौन हो जाएंगे? अजीत डोवाल। उसके नीचे कौन? आरएन रवि। उसके अलावा एक कौन? आर खन्ना। और एक कौन हो जाएंगे बेटा? पंकज सरन। डाउट क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में लगने लायक है। जो लोग सीडीएस का पेपर दे रहे हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे अपॉइंट कर रखा है? तब आपका आंसर होगा आर एन रवि। इनको किन्होंने करा बेटा? एनएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने। और इनके नीचे तीन व्यक्ति है, कौन? आर एन रवि। आर एन रवि के बाद में कौन आ जाएंगे? आपके रॉ के हेड आ जाएंगे मिस्टर राजेंद्र खन्ना। और उसके बाद में सेविंग डिप्लोमेट के कौन आ जाएंगे? मिस्टर पंकज सरन। आईटीपीवी मैंने आपके साथ में शेयर करा था, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और इसके अंदर जो बने हैं वो बने हैं मिस्टर देशमुख। बिल्कुल सही, मिस्टर देशवाल। एसएस देशवाल सर को आईटीपीबी का हेड बनाया गया। साथ में ये एसएसबी के भी क्या देख रहे हैं? अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं। डायरेक्टर जनरल किसके? एसएसबी के। आईटीबीबी के बारे में बताना चाहता हूं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस बोलते हैं। 24 अक्टूबर 1962 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। और इससे पहले ये पोस्ट देखते थे आर के पंचनंदा। कौन देखते थे? आर के पंचनंदा। इस साइड में आपको नजर आ रहे हैं एसएस देशवाल सर। तो देशवाल सर का आईटीपीबी भी हो सकता है आपका, और एसएसबी भी राइट करके आना बेटा। और आर के पंचनंदा सर को रिप्लेस करा इन्होंने। और आईटीपीबी की स्थापना पूछते कई बार, इसकी फुल फॉर्म भी आती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर के दिन। और 24 अक्टूबर डे आता है यूएन डे एज वेल एज वर्ल्ड पोलियो डे। तो 24 अक्टूबर के दिन अपन आईटीपीबी डे भी तो बना सकते हैं। अब अपने लिए 24 अक्टूबर के दिन तीन डे हो गए। आईटीपीबी डे भी कब आएगा? 24 अक्टूबर को। यूएन डे भी कब आएगा? 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे भी कब आएगा? 24 अक्टूबर को। और 1962 अपन को याद होना चाहिए, चाइना के अटैक के समय। चाइना ने अटैक कब करा था? 1962। और वैसे इसमें इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आ रहा है, तो 1962 आपका सही चल जाएगा। ये सब सीडीएस के बेटा, ये भी लगने लायक क्वेश्चन है। और ये तो रेलवे वालों के लिए जो आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अरुण कुमार। कौन आएगा? अरुण कुमार। अरुण कुमार सर को आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस कराया बेटा धर्मेंद्र कुमार को। किनको कराया? धर्मेंद्र कुमार। याद करने का तरीका कैसे होगा? इधर देखेंगे, रेलवे को पहले प्रोटेक्शन धर्मपाजी करते थे। कौन करते थे? धर्मपाजी। और अब कर रहे अरुण। अब कौन कर रहे हैं? अरुण। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा। इनका 27 जुलाई 1984 को बनाया गया था आरपीएफ। कब बनाया गया था? 27 जुलाई 1984। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली के अंदर। ये रेलवे का क्वेश्चन लग सकता है आपके जो एलपी दे रहे उसमें लग सकता है, आरपीएफ वालों के लग सकता है। तो अरुण सर राइट करके आना। किसको करके आना? अरुण सर। ओके, और वहां एग्जाम में भूल भी जाओ तो रेलवे जो है वो रन करती है ना। देखो रेलवे क्या करती है? रन। रन यानी दौड़ती है। आगे ये लगाना है, एक ट्रेन दौड़ रही थी, एक ट्रेन दौड़ रही थी, तो ए रन हो जाएगा ना। ए रन से अपन प्रोनंसिएशन में क्या बोलेंगे? अरुण। और लेकिन अपन वहां कैसे देखेंगे? एक ट्रेन दौड़ रही थी, एक का मतलब ए और रन का मतलब दौड़ रही थी, और धर्मेंद्र जी उसके पीछे खड़े थे। धर्मेंद्र जी उसके पीछे खड़े थे। तो इसका आपका आंसर सही चल जाएगा।
और वैसे भी यहां भूल जाओ तो वहां अपन ने चार और छह करा था, याद है? और यहां आठ का आधा कितना करना है? चार, चार आठ, चार और आठ। यह भी लगने लायक क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी लगेगा। यूपीएससी के अंदर अरविंद जी सक्सेना को बनाया गया हेड, चेयरमैन बना रखा बेटा। इन्होंने रिप्लेस करा विनय मित्तल सर को। किनको करा? विनय मित्तल। यहां पे जो आपको नजर आ रहा है ना बेटा, ये है अरविंद जी सक्सेना सर, और रिप्लेस करने वाले कौन है बेटा? विनय जी मित्तल, पहले ये थे। अब ये भी क्वेश्चन कई बार लगता है कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926। बैंक वालों के लिए इजी है, हिल्टन यंग कमीशन आया था तब। कौन आया था? हिल्टन यंग कमीशन। और 1 अक्टूबर इज द ओल्डर डे, सीनियर सिटीजन डे कब मनाते हैं बेटा? 1 अक्टूबर को। तो अपन ऐसे याद कर लेंगे, जो सीनियर सिटीजन होते हैं वही आईएएस बनते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो क्या बनते हैं? आईएएस। जैसे हिल्टन यंग कमीशन बनाता, कौन बनाता? हिल्टन यंग कमीशन। और अरविंद जी केजरीवाल से अपन को अरविंद जी सक्सेना याद हो जाएंगे, क्योंकि अरविंद जी केजरीवाल जो दिल्ली के कौन है? सीएम, वो आईएएस ही तो है। तो उससे आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद जी सक्सेना, और रिप्लेस में विनय मित्तल। क्या जाएगा बेटा? विनय मित्तल। देखो ये भी संविधान की जो है वो पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। इसका डिस्क्रिप्शन होता है 315 से 323 के बीच में, 315 से 323 के बीच में। और याद कीजिएगा, पिछली बार मैंने यूपीएससी के एक मेंबर के बारे में बताया था, 316 मैंने उसमें आपके साथ में शेयर करा था। मैंने कहा मेंबर का जो होता है वो किसमें होता है? 316 आर्टिकल के तहत। तो 315 से 323 वाले जितने भी आर्टिकल आते हैं, जो पार्ट किसमें है बेटा? आपके 24 के अंदर, ठीक है? उन सब के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है यूपीएससी। एक चीज और वो कोई देखिएगा, क्वेश्चन यहां पे आया 6 साल और 65 वर्ष, विच एवर इज अर्ली, विच एवर इज अर्ली। और पहले वाले का अधिकतर पूछ लेते हैं बेटा, पहले वाले रोज थे, तो यूपीएससी में जो कलेक्टर बनेगा उसको रोज देंगे नहीं देंगे? क्या देंगे अपन? रोज गुलाब। जब सेलेक्ट होकर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? गुलाब। तो रोज बैरतर जो थे वो पहले चेयरमैन थे, ध्यान रखना। सर जिसके आगे लग जाए वो अंग्रेज, और शक्ल से भी पता चल जाता है, ठीक है? और ये पुरानी है बेटा, 1926, अंग्रेजों के जमाने का यूपीएससी है, अंग्रेजों के जमाने का यूपीएससी है। हाँ बोलो बच्चा। फर्स्ट इंडियन का इसमें नहीं आता, अधिकतर आता बैंक में, आरबीआई का, ठीक है? जिसमें आएगा मैं कोशिश करूंगा मेरी स्लाइड में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की, और इस बात की मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, गारंटी देता हूं कि जो ये लगे ना क्वेश्चन यही लगता है, इसका मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं। जहां फर्स्ट का आएगा वहां मैं डिस्क्राइब करूंगा, आप बेफिक्र है, ठीक है? आप डिस्क्राइब करूंगा, ऐसा कोई बात नहीं बच्चा। तो जब आप आरएएस बन, आप आईएएस बन जाओगे तो आपको मैं क्या दूंगा? रोज, ठीक है? और बन गए कौन? अरविंद जी केजरीवाल, अरविंद जी केजरीवाल। डाउट क्लियर है? और इसमें 315 से 323 तक लेके जाना, और 316 में इसके मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। और 1 अक्टूबर 1926 और न्यू दिल्ली। और क्या लेना बेटा? न्यू दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर, चलते हैं चेयरपर्सन ऑफ द एनसीपीसीआर, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके अंदर अभी जो है आपको लिया है, और आपका नाम है, कोई बताएगा प्लीज? स्तुति कक्कड़ तो यहां है, इनका क्या नाम था? गायब कर, ऑप्शन नहीं होता ना सर की क्लास में, ऑप्शन होता ही नहीं। राइट आंसर योर कानून गो इज द राइट आंसर बेटा, मिस्टर कानून गो। आपको याद कीजिएगा कि मैंने पिछली बार क्लास के अंदर शेयर करा था, मैंने कहा बच्चों को प्रोटेक्शन दीजिए, आपका कानून है, ये आपका क्या है? कानून। और कानून से क्या बनेगा बेटा? कानून गो इज द राइट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किसको करा? स्तुति कक्कड़ को। देखिएगा क्वेश्चन लगता है ये भी, ये बना है 2005 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट, 15th वे चेयरपर्सन फाइनेंस कमीशन। ये लगेगा क्वेश्चन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? एनके सिंह को। किनको बना रखा बेटा? एनके सिंह को। एनके सिंह का कार्यकाल 2020 से कब तक है बेटा? 2025 तक। और आर्टिकल नंबर कौन सा आता है इसमें? 280। 15वें जो आपके फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया वो एनके सिंह को है, 2020 से 2025, आर्टिकल नंबर 224। और इन्होंने रिप्लेस किसको कराया बेटा? वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी का हालांकि कार्यकाल है 2020 तक है, कब तक है? 2020 तक। और ये आपके 14 नंबर के, कौन से नंबर के? 14 नंबर के। और 21वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है आप, 21वें नंबर के आरबीआई के कौन थे बेटा? गवर्नर, एक्स गवर्नर, ठीक है? वाईवी रेड्डी। और देखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट फाउंडेड होती है, कई बार पूछते हैं आपसे,
22 नवंबर 1951 के दिन इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? न्यू दिल्ली के अंदर। इसका कार्य क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इनका कार्य होता है आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वित्त से संबंधित सलाह मशवरा देना। ये बताते हैं कि कितना कलेक्शन हुआ तो उसको कैसे एलोकेट किया जाएगा। वाईवी रेड्डी के एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि इन्होंने 32% से बढ़ाकर 42% राज्यों को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है वो कितनी कर दी, 32 से बढ़ाकर 42। और आप आरबीआई के गवर्नर नंबर कौन से थे? 21। और 14 नंबर के कौन थे बेटा? फाइनेंस कमिश्नर। और अभी किसको अपॉइंट किया गया? एनके सिंह। एनके सिंह ज्यादा लगने का चांसेस है। और इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक चलेगा। आर्टिकल नंबर 280 आता है। अशोक कुमार गुप्ता को फिलहाल सीसीआई का क्या बना रखा बेटा? चेयरमैन। सीसीआई कहलाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी संस्था किसी से प्रतिस्पर्धा ले सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा रेयर नहीं ले सकती है। कौन सी ले सकती है बेटा? मतलब आप एक्चुअल प्रतिस्पर्धा लो, कट थ्रोट ना लो। जैसे एक संस्था दूसरे संस्था को गिरा नहीं सकती है। आप ऐड करो तो ऐसा ऐड करो जो फेयर हो। कौन सा हो? फेयर। उसके लिए हमने स्थापना करी थी इसकी 14 अक्टूबर 2003 के दिन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। अशोक चावला पहले थे और अभी नए बने अशोक कुमार गुप्ता। हम याद करने का तरीका, एक अशोक गया दूसरा अशोक आया, जैसे वहां पे याद कीजिएगा कौन गया बेटा, एक जा गया, एक अजय जा गया और एक अजय भूषण पांडे आया। वहां अजय अजय थे ना, तो यहां पे क्या करना, अशोक और अशोक, अशोक कुमार गुप्ता। चलते हैं बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आज 1 तारीख से अपॉइंट हो रहे हैं, इसी 1 जनवरी के दिन। इस 1 जनवरी 2019 के दिन सीबीआईसी, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका अब नया नाम जो है वो चेंज होकर क्या हो चुका है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पहले ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज कहलाता था। पहले क्या कहलाता? सीबीईसी। सीबीईसी हमारे यहां पे दो बड़े हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसको वापस शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दो बड़े टैक्स के बोर्ड होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक कहलाता सीबीडीटी, एक पहले कहलाता था सीबीईसी। अब इसका नया नाम क्या कर दिया बेटा? सीबीआईसी। ठीक है, ये बना है 1964 और ये बना 1944। ये डायरेक्ट टैक्स के लिए करता है और ये किसके लिए करता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब भी समझ लीजिएगा प्लीज। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में यह अंतर होता है कि इसमें कर का भार आप किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी जिसने आय कमाई उसको आयकर देना पड़ेगा, जिस कंपनी ने लाभ कमाया उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यह होता है कि इसमें जो एसएससी है वो अपने कर का भार किसी दूसरे को ऊपर डाल देता है। जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हो, खरीदने के बाद आप सर्विस टैक्स पे करते हो जो कि अब किसका पार्ट हो गया? जीएसटी का। तो जीएसटी पे करने के बाद अब शॉपकीपर चुकाएगा। यदि कल को कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी तो शॉपकीपर के ऊपर लगेगी, आपके ऊपर नहीं लगेगी। और यहां यदि पेनल्टी वगैरह फाइन लगेंगे तो इंडिविजुअल के ऊपर लगेंगे, जिसने खुद ने इनकम कमाई है या जिसने, जिस कंपनी ने जो है प्रॉफिट कमाया है। ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए होता है और ये किसके लिए होता है? डायरेक्ट टैक्स के लिए। यहां पे याद कीजिएगा हमने आपके साथ में कहा था, यहां कौन है? मिस्टर सुभाष चंद्र। और यहां पर जो है कौन, पहले एस रमेश थे और अभी इस 1 तारीख से नए कौन आ जाएंगे बेटा? पीके दास। पीके दास। ये पीके दास वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से सबसे ज्यादा बैंक में लगने लायक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहेंगे कि अभी हाल ही के अंदर सीबीएसई के अंदर नए कौन चेयरपर्सन बनाए गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीके दास। और रिप्लेस में किसको कर देंगे बेटा? एस रमेश सर को। और 1 जनवरी 1964 देखिएगा कितना अच्छा सर का है, सर भी 1 जनवरी के दिन अपॉइंट हो रहे हैं। और 1 जनवरी 1964 के दिन किसकी स्थापना हुई थी बेटा? सीबी आपका ईसी का, अब आईसी बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? आईसी। और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। तो अपन कैसे याद करेंगे? बड़ा इजी तरीका, पीके आमिर खान वाला, आमिर खान पीके। तो पीके दास, पीके, कोई भी चीज पीके आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दो। जैसे आप बेवरेज वगैरह आप कुछ भी लेते हो ना, तो पीके क्या कर दो? इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दो। ठीक है, और वो जो लेता है तो आप, वो आपका, आप उसके मालिक हो। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट और वो आपका दास है। वो आपका कौन है? दास। पीपल्स शॉपकीपर कौन है आपका? दास। तो पीके दास इज द राइट आंसर। डाउट क्लियर है? क्लियर। नहीं, सुभाष चंद्र। चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इन 2018। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। आपको पता होना चाहिए जिस भी स्टील कंपनीज होती है उनके ऊपर जो कंट्रोल करती है वो कौन करती है? सेल।
सेल के अंदर अनिल कुमार चौधरी को हेड बना रखा है, किसको बना रखा है, अनिल कुमार चौधरी, और ये क्वेश्चन लग भी गया था, ये क्वेश्चन अभी लगा था, सेल के हेड कौन है, अनिल कुमार चौधरी। ओके, फॉर्मर कौन है बेटा, श्री सरस्वती प्रसाद, ये सरस्वती प्रसाद जो है इससे पहले थे, अभी किसको बनाया गया, अनिल कुमार चौधरी को। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 के दिन की गई थी, कब की गई थी, 19 जनवरी 1954 के दिन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा, न्यू दिल्ली। ध्यान से सुनिएगा, ये सेल जो है एक महारत्न कंपनी है, कौन सी कंपनी है, महारत्न। देखिएगा हमारे यहाँ पे कंपनी को तीन भागों में बांटते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, और इसमें से महारत्न कंपनियां वह कंपनी होती है जो कि भारत सरकार के अंडरटेकिंग में आती है। अभी तक हमारे यहाँ पे 8 महारत्न कंपनियां, कितनी कंपनियां है, 8, और फिलहाल जो है वो बीपीसीएल को जो दिया गया था, किसको दिया गया था, बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट, और चलते हैं AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए एयर एशिया आया था तो हमने भास्कर करा था, क्या करा था, भास्कर, और यहाँ AAI का आ जाता तो ये क्वेश्चन आएगा आपका जी मोहपात्रा, फुल फॉर्म है सर का गुरु प्रसाद मोहपात्रा। ये AAI के कौन बने बेटा, चेयरमैन। AAI को बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना था 1 अप्रैल 1995 के दिन, यानी याद करने का तरीका जब WTO बना था, WTO इसके जस्ट 3 महीने पहले बना था, यानी 1 जनवरी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसके 3 महीने बाद क्या बन गया था, AAI, 1 अप्रैल 1995, और हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा इसका, न्यू दिल्ली। अभी फिलहाल कौन बने, जी मोहपात्रा, और इन्होंने किसको रिप्लेस करा बेटा, आरके श्रीवास्तव। लगने लायक क्वेश्चन होते हैं अथॉरिटी के जितने भी है, AAI के, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, जो कि काफी सुर्खियों में, जब से आपने राफेल पढ़ा उसके बाद में HAL के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। राफेल डील के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड सुर्खियों में, HAL के अंदर जो है आर माधवन, अपन को याद करना है आर माधवन, ठीक है, पुराने हीरो किसके हैं बेटा, रहना है तेरे दिल में, बिल्कुल सही है, RSTDM, RSTDM वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक के अंदर जा चुके हैं, रहना है तेरे दिल में, उससे याद हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक के अंदर अभी आर माधवन को बनाया गया है चेयरमैन, इन्होंने TS राजू को रिप्लेस करा, किसको करा, TS राजू। और वैसे भी यदि आपने यदि वो देखी है पिक्चर तो उसमें राजू होता है, राजू रस्तोगी, और उसके अलावा माधवन होता है ना, 3 इडियट, कौन सी, 3 इडियट, तो वैसे याद हो जाएगा। इसमें 3 इडियट के आप स्टोरी चला लोगे तो याद हो जाएगा कि साहब आजकल राफेल डील के अंदर 3 इडियट चलती है, क्या चलती है, 3 इडियट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक के अंदर माधवन आ जाएगा और रिप्लेस किसको करते हैं, राजू को। और उसके बाद में 1940 हनुमान चालीसा, वो भी तो डर के मारे क्या पढ़ता था, हनुमान चालीसा फेल ना हो जाऊं, तो हनुमान चालीसा से क्या हो जाएगा, 1940, और हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा इसका, बेंगलुरु। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक का, बेंगलुरु। ये एरोनॉटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं इसरो की साइड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चेयरमैन अभी जो है के सिवान सर को बना रखा है, किनको बना रखा है, के सिवान, इन्होंने किरण कुमार को रिप्लेस करा है, किसको करा है, किरण कुमार सर को। देखिएगा किरण कुमार के बाद ये पोस्ट खाली थी और यहां पे किसको बनाया गया, के सिवान। यहां पे आपको के सिवान नजर आ रहे हैं और यहां पे कौन आ रहे हैं बेटा, किरण कुमार। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो आपका क्वेश्चन होगा आपका स्वतंत्रता दिवस के दिन, 15 अगस्त 1969, और हेडक्वार्टर कहां पे है बेटा, बेंगलुरु। देखो 1969 और सुर्खियों में, 1969 के आपको 4-5 बातें याद होनी चाहिए। MRTP एक्ट भी कब आया था, 1969। उसके बाद 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ था, 1969। ये 14 बड़े जो व्यापारिक बैंक थे ना, वो भी 1969 के अंदर हुए थे, और उसकी डेट थी 19 जुलाई, क्या थी, 19 जुलाई 1969, ठीक है। तो आपको 1969 याद होना चाहिए, 1969, 1969। यदि वहां भूल भी जाओ तो याद करने का एक तरीका और है, 69 को आप इस तरह से बना लीजिए, इसको कर दीजिए पृथ्वी, इसको कर दीजिए चंद्रमा। देखो इसरो ने उड़ान भरी, इधर देखो ऊपर गया अंतरिक्ष में और वापस नीचे आ गया, ऑटोमेटिक 69 हो जाता है, हो गया ना। इसरो से क्या जाते हैं, सैटेलाइट ही तो जाते हैं, सैटेलाइट ने उड़ान भरी, गया चांद पे और वापस नीचे आ गया, तो इससे 69 बन जाता, तो आप इसरो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और जब ऊपर गया तो इससे पूछा गया कि सैटेलाइट में क्या लेके आया, इसने कहा MRTP एक्ट है और साथ में 14 बड़े व्यापारिक बैंक है, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा भाई सैटेलाइट में क्या लेके गया था,
14 बड़े व्यापारिक बैंक, उसके साथ में क्या लेके गया था, एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट की फाइल लेके गया था। तो इससे आपके दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है, 1969। डाउट क्लियर है बच्चा? ओके, तो के सिवान एज वेल एज किरण कुमार। चलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको आप सीएसआईआर बोलते हैं, ठीक है, शेखर एस मांडे, लगने लायक है। देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतनी ज्यादा मंडी बनेगी, उतनी ज्यादा क्या बनेगी, मंडी। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और मंडी से क्या हो जाएगा बेटा, मांडे, क्या हो जाएगा, मांडे। तो शेखर सिंह मांडे को डायरेक्टर जनरल बना रखा बेटा सीएसआईआर का। सीएसआईआर के बारे में बताना चाहता हूं, 26 सितंबर 1947 के दिन इसकी स्थापना हुई थी, यानी आजादी के बाद, आजादी के बाद 1947। और हेडक्वार्टर इसका कहा है, न्यू दिल्ली। इन्होंने रिप्लेस किसको कराया बेटा, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को। किसको कराया, आशुतोष शर्मा। इससे पहले आशुतोष शर्मा थे, और अभी सीएसआईआर के हेड कौन हो चुके, मिस्टर मांडे। याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था सीएसआईआर अपना एक डिजिटल बड़ा सेंटर खोल रहा है, कहां खोल रहा है सीएसआईआर, अपना एक डिजिटल सेंटर खोल रहा है, कहां, हरियाणा। कहां खोल रहा है, हरियाणा, बताया था ना मैंने आपके साथ में, शेयर करा था, कहां खोल रहा है, हरियाणा। और सीएसआईआर मैंने आपको याद कीजिएगा दो टाइम जोन बताया था, उसमें सीएसआईआर के बारे में बताया था। हाँ, सीएसआईआर के लिए मैंने कहा था ना, दो टाइम जोन के बारे में जब मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ाया था, उसमें सीएसआईआर का और नेशनल लेबोरेटरीज के बारे में बताया था। चलते हैं बीपी सिंह की तरफ, ब्रजेंद्र पाल सिंह, लगने लायक क्वेश्चन है। फटी के नए जो हेड बने वो कौन बने बेटा, बीपी सिंह। बीपी सिंह ने किसको रिप्लेस करा, अनुपम खेर सर को। और अनुपम खेर अभी सुर्खियों में, एक नई मूवी आ रही है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसको अपन मूवी के अंदर देखेंगे, किसमें देखेंगे, मूवी के अंदर। ओके, इन्होंने देखिएगा, फटी के हेड है, फाउंडेड जो है 1960, फटी 1960 में बना है, और इसका हेडक्वार्टर पा से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पुणे, और दूसरा क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नया खुला है, और पुराना कहां पर है बेटा, पुणे में। कहां पर है, पुणे। कई बार इसके डायरेक्टर भी पूछ लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, चेयरमैन के बाद डायरेक्टर पूछ लेते, तो आपको लिखना है भूपेंद्र किंटोला। आपको वहां देखो, भूपेंद्र यहां पर है और बिजेंद्र यहां पर है, भूपेंद्र और ब्रजेंद्र, दोनों याद हो जाएगा ना, ब्रजेंद्र एंड भूपेल, किसमें, फटी। और वैसे ब्रजेंद्र सिंह के पंच खा लो तो अच्छे से की फट जाए, है कि नहीं, वैसे याद हो जाएगा, ब्रजेंद्र जी के अच्छे अच्छे पंच खा ले तो अच्छे से फट जाए, फट जाए से क्या हो जाएगा, फटी, क्या हो जाएगा, फटी। और 60 साल वाले के ऊपर कभी ब्रजेंद्र वार नहीं करता है, रिटायरमेंट एज होती है ना उसकी, तो कहेंगे इसको मारो मत बॉक्सिंग से, ठीक है। आईसीसी के अंदर, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर अपॉइंट हुई है इंदिरा नुई एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको पता हो तो आप पेप्सिको की हेड थी, आपने पेप्सिको छोड़ा, और पेप्सिको छोड़ने के बाद आपको आईसीसी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ध्यान से सुनिएगा, आईसीसी के हेड है शशांक मनोहर। कौन है, शशांक मनोहर। और यह एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 15th of June 1909 का है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का ही, 1909। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, दुबई। कई बार आपसे पूछ ले तो इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई, आईसीसी। और इसमें किसको चुना है बेटा इंडिपेंडेंट महिला के अंदर, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, इंदिरा नुई। लगने लायक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी 100% लगने का है। गीता गोपीनाथ को अभी आईएफसी की इकोनॉमिस्ट चुना गया, चीफ इकोनॉमिस्ट। आईएमएफ को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में जहां क्रिस्टिना लेगार्डे हेड है, अब वहां पे चीफ इकोनॉमिस्ट उन्हीं के साथ में कौन होगी बेटा, आपकी गीता गोपीनाथ, जो भारतीय अर्थशास्त्री है। कौन है, भारतीय अर्थशास्त्री, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। संदीप बख्शी, बैंक वालों का लगने लायक क्वेश्चन है। आईसीआईसीआई के नए एमडी कौन बने बेटा, संदीप बख्शी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके अभी हाल ही के अंदर एमडी और सीईओ किसको बना रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, संदीप बख्शी। और रिप्लेस किसको कराया बेटा, चंदा कोचर को। देखो, संदीप शब्द यदि वहां भूल भी जाओ और बख्शी भूल भी जाओ, तो इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी होगा भैया। आईसीआईसीआई अब तो बख्श दे चंदा कोचर, अब दो बख्श दे, वीडियो कॉल वाला आपको अच्छी तरह से याद होगा ना, तो इसको इसी तरह से याद करेंगे भाई, अब तो आईसीआईसीआई को बख्श दे चंदा कोचर, तो बख्श से क्या हो जाएगा, बख्शी।
राकेश शर्मा को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा बेटा आईडीबीआई बैंक का. किसका? आईडीबीआई. आईडीबीआई को बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी. ध्यान से सुनना, जितनी भी इंडस्ट्रीज को लोन देता है वो आईडीबीआई है. और अभी हाल ही के अंदर अपन ने पढ़ाया कि आईडीबीआई का मर्जर किसके साथ हुआ बेटा, एलआईसी. किसके साथ हुआ? एलआईसी. मैंने आपको तीन मर्जर बताए थे, याद कीजिएगा. दो तो, एक तो एसबीआई का था, एसबीआई अपने 5 एसोसिएट और बीएमबी के साथ मर्ज हुआ था 1 अप्रैल 2017. सेकंड मैंने आपको आईडीबीआई का किसके साथ बताया था? एलआईसी के साथ. थर्ड में मैंने आपको बीओबी, देना और वीजा के बारे में बताया था. बीओबी, देना और वीजा के बारे में बताया था. ये भी क्वेश्चन 2018 के लग सकते हैं, ये 2018 में बैंकों में लग सकते हैं. तो तीनों के तीनों आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए. एसबीआई, एसबीआई के साथ में कितने लेने? 5 एसोसिएट. उसके साथ क्या लेना है? बीएमबी. फिर आईडीबीआई को टेक ओवर आ जाए तो किसको लेना है? एलआईसी. किसको लेना है बेटा? एलआईसी. और थर्ड आ जाए तो बीओबी, वीजा और देना. और उसके उसके अलावा यदि आपका आ जाए तो एक क्वेश्चन और लेना है आपका, लेना जम्मू एंड कश्मीर बैंक. जम्मू एंड कश्मीर बैंक अब किसमें हो गया बेटा? बिल्कुल सही. आईडीबीआई 1964 में, और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? मुंबई. और यहां पे मैंने एक ट्रिक बताई थी, जिसके पीछे ऑफ इंडिया लग जाए वो सब कहां पहुंच जाएंगे? लेकिन एक्सेप्ट द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता. कहां पहुंचेंगे? कलकत्ता. और एक सिडबी. सिडबी कहां पहुंच जाएगा? लखनऊ. सिडबी कहां पहुंच जाएगा? लखनऊ. क्योंकि सिडबी में भी लास्ट में ऑफ इंडिया लगता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहां जाता है बेटा? लखनऊ. जहां पे हेड कौन है? मुस्मद मुस्तफा. राइट है बेटा. और 2 अप्रैल 1990. चलते हैं एमएसएमई. देखिएगा एनएसआईसी की तरफ चलते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन. इसके अंदर अभी जो जॉइंट सेक्रेटरी एमएसएमई के हैं श्री सुधीर गर्ग, इनको डायरेक्टर बनाया गया, चेयरमैन कम एमडी. ये भी लगने लायक क्वेश्चन होते हैं. एनएसआईसी के अंदर अभी हाल में किसको चेयरमैन कम एमडी बनाया गया? तो आपका आंसर होगा श्री सुधीर गर्ग. क्या होगा? श्री सुधीर गर्ग. देखो वैसे याद हो जाएगा, अधिकतर जो फैक्ट्रियां होती है वो अधिकतर जो होती है वो होती है किनकी बेटा? वैश्य समाज की. और वैश्य समाज में गर्ग, गोयल, अग्रवाल, यही नाम देखने को मिलते ना. तो वैसे याद हो जाएगा, जब भी ऐसी कोई फैक्ट्री आ जाएगी तो आपका गर्ग आंसर क्या चल जाएगा? सही. चलते इथोपिया. अब थोड़ा बाहर चलते हैं ना, विदेश. और विदेश में चलते हैं पहले इथोपिया. इथोपिया के अंदर जो है अभी हाल ही के अंदर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? सलाय वर्क जावेदे को. इन्होंने किसको रिप्लेस कराया बेटा? मुलुतु थम्स को. ये लगने लायक क्वेश्चन होते हैं, अजीब से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें देखो कैसे इसकी ट्रिक बना लोगे तो याद हो जाएगा. याद कीजिएगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पहली जो यात्रा करी थी वो कहां करी थी? इथोपिया. और इथोपिया की क्या होती है? एडिडास अबाबा. कैपिटल क्या होती है? एडिडास अबाबा. तो अपन इसी से याद करेंगे. देखो मेरी सलामान टोपी लेके आ एडिडास अबाबा की, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? सहेल. क्या हो जाएगा? सहेल. और सहेल से आपको याद हो जाएगा पहली महिला क्या बनी है? प्रेसिडेंट. किसकी? इथोपिया की. बट मेरा क्वेश्चन यही है, लगने लायक है. देखिएगा इराक सुर्खियों में रहता है और इराक से हम सबसे ज्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए अपन को इराक के दोनों याद होने चाहिए, नए प्रेसिडेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर. पीएम की बात आती है तो आपके पीएम में आते हैं आदिल अब्दुल महदी. अपन को याद करना कैसे करना है? आदिल अब्दुल, आदिल अब्दुल और मेहंदी कर दो इसको. मादी को क्या कर दो? मेहंदी. तो पेट्रोल के साथ क्या फ्री मिलती है इराक से? मेहंदी. मेहंदी से हो जाएगा मादी. क्या हो जाएगा? मादी. ये बनेंगे पीएम. अब प्रेसिडेंट की बातचीत आती है तो यहां प्रेसिडेंट में बनते ब्रह्मा है, ब्रह्म, ब्रह्म सलाय. अपन क्या करेंगे? ब्रह्मा. क्या करेंगे? ब्रह्मा. चलते कैमरून. कैमरून की राजधानी क्या है बेटा? होंडुरस. होंडुरस कैमरून. तो चलते यहां के प्रेसिडेंट आता है, यहां प्रेसिडेंट होते बेटा पॉल बिया. पॉल बिया. अपन को करना भैया. क्या करना है? भैया. कैमरून में कौन है हमारे भैया? पॉल भैया. मेरा क्वेश्चन है, लगने लायक है. देखिएगा क्वेश्चन आएगा, हॉकी इंडिया के नए चीफ किसे बनाया गया है? तो मुश्ताक अहमद, इनको अपॉइंट किया गया है हॉकी इंडिया के नए चीफ सेक्रेटरी. इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? राजेंद्र सिंह को. किनको कराया बेटा? राजेंद्र सिंह. और ये 1 अक्टूबर से अपॉइंट हुए बेटा, 1 अक्टूबर 2018 से. हॉकी इंडिया 2009 में बना था बेटा, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली. और अभी हॉकी की बातचीत होती है तो अपन कहां पहुंच जाते हैं? उड़ीसा. और उड़ीसा में कहां पहुंचते हैं? भुवनेश्वर. और भुवनेश्वर में कहां पहुंचते हैं? कलिंगा स्टेडियम. और कलिंगा स्टेडियम में 14 मैन्स वर्ल्ड कप हॉकी में विजेता किसको बना देते हैं?
किसको बना देते हैं? बेल्जियम को पहली बार, और रनर अप किसको बना देते हैं? नीदरलैंड को। और इंडिया कौन सी पोजीशन पे पहुंच जाता है? 6। और पाकिस्तान कौन सी पे? 12। और कितनी टीमें? 16। कितनी टीमें? 16। ओके। और हमारे कैप्टन का नाम? मनप्रीत सिंह, बिल्कुल सही है। और उसका मस्कट? ओली, बिल्कुल सही है। मस्कट कौन सा? ओली। और वहां के सीएम कौन? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, बिल्कुल राइट है। चलते हैं इंटरनेशनल हॉकी। जब इंडिया हॉकी की बात हुई तो इंटरनेशनल हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसको हम FIH बोलते हैं, इसमें नए प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनडी बत्रा। क्या बोलते हैं? एनडी बत्रा। ध्यान से सुनना, एनडी बत्रा इलेक्टेड हुए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या है? प्रेसिडेंट भी है। अब चलते हैं फिच की स्थापना कब हुई थी। फिच बना था 7 जनवरी 1924 के दिन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर आता है बेटा? लाउसवाने। और ये कहां पर है बेटा? स्विट्जरलैंड। कहां पर है? स्विट्जरलैंड। ये स्पोर्ट्स के हो गए। किसके हो गए बेटा? स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स में हॉकी के क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं, ठीक है। चलते हैं इरडा की तरफ। इरडा चलता है तो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें अभी नए 2018 में बने सुभाष चंद्र कुंतिया। कौन बने? सुभाष चंद्र कुंतिया। हमने ट्रिक बताई थी, कुतिया का इंश्योरेंस कराया है ना, बिच का इंश्योरेंस कराया। बिच को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुतिया। तो कुतिया का इंश्योरेंस कराया, तो सुभाष चंद्र कुंतिया। 1999 के हैं बेटा, तो अपन को 1 रुपए की छूट मिली है। 2000 रुपए में इंश्योरेंस कराया, 1 रुपया कैशबैक ऑफर है। जैसे 399 का रिचार्ज कराया तो ना, सुनने के लिए 399, लेकिन देने कितने पड़ते हैं? 400। तो वैसे ही सुनने में एक बड़ा नोट दे दो 2000 का, आपको 1 रुपया वापस मिल जाएगा, आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा। किसका? बिच का, ठीक है। तो सुभाष चंद्र कुंतिया, और हेडक्वार्टर बड़ा स्पेशल है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद ऐसे यूनिक आते हैं बिल्कुल, और यूनिक होते हुए अधिकतर क्वेश्चन लगते हैं। जैसे सिडबी लगता है ना यूनिक है लखनऊ, वैसे ही इरडा का अधिकतर लगता है, क्या होता है आंसर? हैदराबाद। लेकिन ध्यान रखना, इसकी एक ब्रांच दिल्ली में भी है। एक ब्रांच का है दिल्ली, लेकिन प्रमुख हेडक्वार्टर तो कहां जाएगा? हैदराबाद। चलते हैं IBA, लगने लायक क्वेश्चन है। द इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके अंदर PNB के जो MD और चीफ एग्जीक्यूटिव थे मिस्टर सुनील मेहता, इनको नया चेयरमैन बनाया गया है IBA का। लगने लायक क्वेश्चन है बेटा। सुनील मेहता कमिटी भी मैंने आपके साथ में अभी शेयर करी थी, तो इसमें लग सकता है अभी हाल ही के अंदर IBA के नए हेड किसे बनाया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? सुनील मेहता। सुनील मेहता IBA के अंदर। जानना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडियन बैंक एसोसिएशन जो बना था वो 26 सितंबर 1946 के दिन बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? मुंबई। मैक्सिमम हेडक्वार्टर मुंबई आते हैं, तो IBA के कहां पर हेडक्वार्टर है? मुंबई। और बना कब है बेटा? 1946 के अंदर। और अभी कौन है? सुनील मेहता। चलते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और अभी सुर्खियों में आई, जब से आपका CBI वाला केस चला उसके बाद, तो CVC के अंदर चलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की मैंने पूरी डिटेल ली है। इसके अंदर KV चौधरी CVC, शरद कुमार ये विजिलेंस कमिश्नर है, और डॉक्टर तेजेंद्र मोहन वैसीन ये भी कौन है? विजिलेंस कमिश्नर। बट मेरा क्वेश्चन लगता है शरद कुमार। कौन सा लगता है? शरद कुमार और KV चौधरी, दोनों लगने लायक है। और शरद कुमार 2018 के अपॉइंटमेंट, कब के होंगे? 2018 के। हमने आपके साथ ट्रिक करी थी, मैंने कहा शरद पूर्णिमा का दिन सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विजिलेंस को बोलते सतर्क, सतर्क का मतलब होता है अलर्ट, सतर्क का मतलब क्या होता है? अलर्ट। और शरद पूर्णिमा के दिन तो वैसे ही इतना प्रकाश होता है कि कोई डार्कनेस होता ही नहीं है, तो आप किसी को पहचान सकते हो, तो आपको सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही ट्रिक होती है बेटा, कि सतर्क रहने की शरद पूर्णिमा के दिन कोई आवश्यकता नहीं है, तो शरद पूर्णिमा से क्या बन जाएगा? शरद। और वैसे एज योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज से माउंट आबू में शरद महोत्सव स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन राजस्थान का परमानेंट आता है, शरद महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होता है? माउंट आबू। तो वैसे ही वहां विजिलेंस सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीवीसी भी देखो 1964 का है, कब का बना हुआ है? 1964 का, जब IDBI बना था। जब क्या बना था? IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जिसमें IFC भी बना था, जिसमें क्या बना था? IFC, उसी समय क्या बन गया था? सीवीसी। हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? न्यू दिल्ली। देखिएगा, मैंने नोट करके स्पेशल लिखा है, मैंने कहा था आनिंदो मजूमदार ये अपॉइंटेड हुए बेटा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेक्रेटरी, ही वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बिफोर कमिंग टू द दिल्ली एंड अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल कमिश्नर इन जुलाई 2018। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट आपकी करंट अफेयर्स हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हाल ही के अंदर सीवीसी के सेक्रेटरी किसे बनाया गया, तब आपका होगा मजूमदार। मूवियां देखते ना, मजूमदार, उससे याद हो जाएगा मजूमदार, ठीक है।
आनंदो मजुमदार। और वैसे भी शतक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, शरद पूर्णिमा के दिन मजे करो, मजे से क्या बन जाएगा, मजुमदार। ठीक है।